आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम सीखेंगे कि वेल्डिंग कैसे करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोग के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि वेल्डिंग का काम सीखकर आप लाखों रुपये महीने की इनकम कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके हाथ में कोई हुनर नहीं होगा, कोई आप काम नहीं सीखोगे, तो आप पैसा कैसे कमाएंगे? मजदूरी करोगे 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये रोज, ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति कमा सकता है। तो मजदूर मत बनो, आप कोई काम सीखो और काम सीखने के बाद आप अपनी दुकान डाल सकते हो, आप प्राइवेट काम कर सकते हो, आप मिस्त्री का काम कर सकते हो और वेल्डिंग से आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। तो चलिए, वेल्डिंग का काम आज मैं शुरू से लेके आखिरी तक पूरा का पूरा इस वीडियो में समझा दूंगा कि वेल्डिंग कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं वेल्डिंग होल्डर और ये होती है रॉड। ये जो रॉड है इसको बोलते हैं 10 नंबर की रॉड। तो इसमें इस तरह से रॉड को फंसाया जाता है। मेरे पास आज के इस वीडियो में दो प्रकार की वेल्डिंग है। ये बड़ी वेल्डिंग है, ये डबल फेस है, और ये सिंगल फेस की वेल्डिंग है, ये छोटी वेल्डिंग है। पावर दोनों में है। ये दोनों वेल्डिंग कब कब काम आती है वो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, मेरे पास ये दो प्रकार की वेल्डिंग है। ये है डबल फेस, ये बड़ी वेल्डिंग है, और ये सिंगल फेस, ये छोटी वेल्डिंग होती है। तो इससे भी आप सारा काम कर सकते हो और इससे भी सारा काम कर सकते हो, लेकिन ये है कि ये अगर आपको 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, इवन 12 घंटे लगातार भी चलानी है तो भी इस वेल्डिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप इस वेल्डिंग के थ्रू कटाई, जुड़ाई सारा काम कर सकते हैं और आपकी वेल्डिंग लंबे समय तक आपका साथ देगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। ये वेल्डिंग थोड़ी वजन में भारी होती है। अगर आपका दुकान परमानेंटली एक जगह पर है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ले जाने लायक में ये मशीन जो है थोड़ा सा हैवी होती है, भारी होती है। दूसरा, ये हमारी सिंगल फेस की वेल्डिंग, ये थोड़ी हल्की होती है। देखो, इससे भी आप जुड़ाई कटाई सारा काम कर सकते हो। और इसमें फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत पड़े, किसी घर में काम करने जाना हो आपको, या कहीं दूर ले जाके आपको वेल्डिंग करना हो, तो आप इसको लेके जा सकते हो। तो ये इसमें फ़ायदा है ये वेल्डिंग। लेकिन आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे में भी इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इसको आप लगातार 24 घंटे तक नहीं चला सकते हैं। लगातार 24 घंटे चलाओगे तो थोड़ा सा वेल्डिंग ख़राब होने के चांस होते हैं, तो बीच में इसको आराम देते रहें। और ये वेल्डिंग इसको आप लगातार भी चलाओगे तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, अब वेल्डिंग करना हम सीखते हैं, वेल्डिंग कैसे करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल वेल्डिंग करके भी दिखाऊँगा कि कैसे काटते हैं और कैसे जोड़ते हैं। फ्रेंड्स, आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि वेल्डिंग से काटने का भी काम करते हैं। तो वेल्डिंग से हम काट भी सकते हैं किसी चीज़ को और जोड़ भी सकते हैं, वेल्डिंग से छेद भी कर सकते हैं, सारा काम वेल्डिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये एंगल और मुझे ये रॉड इसमें जोड़ना है। एग्जाम्पल, तो मैं इस एंगल को रखूँगा, अगर मुझे यहाँ पर जोड़ना है तो इसको यहाँ पर रखूँगा, ये इसके ऊपर जोड़ना तो यहाँ रखूँगा। जैसे भी आपको रखना है वैसे आप रख सकते हैं। तो मैंने ये एग्जांपल के लिए यहाँ रख लिया। अब होता क्या है, इसमें ये फेस होते हैं, देखो ये 50, 90, 130, 170, 200, 250 तक का इसमें वाट है। तो 50, 90 और 130 ये पावर यूज़ करते हैं अगर हमें पतली चादर या बोल कमज़ोर लोहा की चादर को जोड़ना है। जैसे मान लो कोई चादर बहुत पतली है, आप उसको जोड़ोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50, 90, 130 का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ भारी है, वेटेड है, जैसे मान लो ये है, इसको अगर आप जोड़ते हो तो आप रख सकते हो उसको 170 पर, और ज़्यादा ही भारी है तो 210 पर। और जो आखिरी का है 250, 250 का जो वोल्ट है, और 250 वोल्टेज का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई चीज़ काटना हो। मतलब ये अगर आप इस पट्टी को काटना चाहते हो या इसको काटना चाहते हो, इसको काटना चाहते हो, तब आप इसमें 250 पावर का यूज़ करोगे, 250, तब ये जो रॉड है ये अलग कट सकती है। तो अभी हमें जैसे जोड़ना है तो क्या करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अब ये जोड़ना सिखाना है, तो ये मैंने आपको 170 पे लगा देता हूँ इसे। ये पावर मैंने 170 पे लगाया। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि इसमें अर्थ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है लास्ट वाला, ये अर्थ का होता है,
ये मैंने अर्थ लगा दिया। नाउ माय वेल्डिंग इज रेडी टू डू, अब मैं वेल्डिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर हम वेल्डिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, वेल्डिंग करते समय आपको काला चश्मा यूज़ करें या फिर एक हेलमेट आता है आप हेलमेट का यूज़ करें, क्योंकि जब तक आप हेलमेट का यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी आँखों में रात को दर्द हो जाएगा। दूसरा, हमारी ये छोटी वेल्डिंग है, चला के मैं एक एक करके दिखाऊंगा आपको। पहले मैं बेसिक आपको जानकारी दे देता हूँ। ये बड़ी वेल्डिंग का सिस्टम होता है, इस तरह से अर्थ लगाया, यहाँ पर फेस लगाया, और ये जो है अर्थ, इसको आपको लोहे से टच करना पड़ेगा। ये टच किया और ये अब आप यहाँ पर ऐसे वेल्डिंग कर सकते हैं। जब तक ये लोहा इस अर्थ से टच नहीं रहेगा तब तक ये वेल्डिंग काम नहीं करेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको ये छोटी वेल्डिंग दिखा देता हूँ करना। ये छोटी वेल्डिंग मैंने ऑलरेडी फिट कर रखा है पहले से ही, ये अर्थिंग है, तो ये अर्थिंग मैंने यहाँ लगाया, ये अर्थ यह है। जब आप नई वेल्डिंग खरीदेंगे तो आपको दोनों चीज़ मिलेगा, फेस में लगाने की लीड अलग आती है और अर्थ में लगाने की लीड अलग आती है, या फिर आप इस तरह से अर्थ लगा सकते हैं। और ये छोटी जो वेल्डिंग है, इसके पास मेरा पूरा सिस्टम है, आपके पास अर्थिंग भी है मेरे पास और फेस भी है। तो ये मैंने अर्थिंग लगाया और जहाँ पर हमें वेल्डिंग करना है उस पर आप इसको रख लेंगे। सेकेंडली, ये फेस है, ये फेस ऑलरेडी कनेक्ट है इसमें, ये तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको प्लस कर सकता हूँ, जोड़ने काटने का काम यहाँ से कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा फेस कनेक्ट है और ये मेरा अर्थ भी कनेक्ट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो लीड है वो मैंने छोटी वेल्डिंग में फिट कर लिया है। अगर आप चाहो तो ये लीड को निकाल के इसमें लगा सकते हो फेस में, तब भी आप कर सकते हो। और अगर आपको छोटी वेल्डिंग यूज़ करना हो तो आप इसमें लगा सकते हो, इसको निकाल के आप यहाँ लगा लो, चाहे छोटी वेल्डिंग में फिट कर सकते हो। तो दोनों में से किसी में भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिकल भी करना देखते हैं कि प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे। बहुत सारे वेल्डर जो कि कम स्किल्ड के होते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया होता है, वो सिर्फ वेल्डिंग करना तो सीख जाते हैं लेकिन वेल्डिंग की सेफ्टी आपको नहीं बताते हैं। मुझे आज काम करते करते 12 साल हो गए हैं वेल्डिंग का ट्रेनर, तो आपको ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी आपने वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग की जो चमक है वो अगर आँखों में लगा दिया, या मतलब आँखों में आपकी चमक लग गई, वेल्डिंग की जो चमक निकलती है, या फिर इसका धुआं अगर आपकी आँखों में लग गया तो आपकी जो आँखें हैं वो सूजने लगती हैं, आँखों में दर्द होने लग जाता है, ना तो आप आँखें खोल सकते हो ना ही आँखें बंद करते हो, ऐसी सिचुएशन आपकी रात में हो जाती है। तब इससे बचने के लिए क्या उपाय है? अगर आप उपाय नहीं करोगे तो रात भर आपकी आँखों में दर्द रहेगा। तो बचने के लिए या तो आप प्याज का रस लगा सकते हो, प्याज को ऐसे कूट लें, प्याज को कूट कर आपकी आँखों पर रखकर पट्टी बांध के सो सकते हैं, या फिर आलू को आप पीस लें या कूट लें उसे, और उसको भी आप अपनी आँखों पर ऐसे आँखें बंद करके ऊपर से लगा के और पट्टी बांध के सो सकते हैं। मेडिकल का यूज़ करना चाहते हो आप तो एक गोली आती है जिसका नाम है ऑक्सीजन, वो आप गोली खाकर सो सकते हो। जब आपकी आँखों में दर्द होता है तो आपकी आँखों में दर्द होना बंद हो जाएगा। ये सेफ्टी इशू है और वैसे तो इसकी नौबत नहीं आएगी अगर आप अच्छी तरह काम करोगे, या तो आप काला चश्मा लगा के काम करें या हेलमेट लगा के आप काम करें। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल सीखते हैं। तो दोस्तों, इनका नाम है रामवीर मिश्रा, ये मेरे चेले हैं, मैंने इनको काम सिखाया था। आज ये लगभग 10 से 12 साल हो गए इनको काम सीखे हुए, और आज ये वेल्डिंग करना, काटना, जोड़ना, साथ ही साथ लोहे में जितने भी सामान प्रयोग में किए जाते हैं, जैसे ये ग्राइंडर मशीन और ये ड्रिल मशीन छेद करने के लिए काम आती है, और ये ग्राइंडर काटने के लिए भी काम आता है, इससे आप किसी चीज़ को काट सकते हो, साथ में किसी चीज़ को घिस सकते हो, शाइनिंग कर सकते हो, ये दोनों काम आता है। तो आज ये जो रामवीर मिश्रा आपके सामने बैठे हुए हैं, ये महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, इनको सारा काम आता है। ये गेट बना सकते हैं, ग्रिल बना सकते हैं, नशेनी बना सकते हैं, जीना जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों की ग्रिल बनाना, छत की ग्रिल बनाना, सारा काम मैंने इनको सिखा दिया है। आज ये बहुत परफेक्ट मिस्त्री हैं। इससे पहले ये दाल मिल का काम करते थे, तो दाल मिल पूरा इन्होंने बनाया, चावल का मिल बनाया, तो चावल दाल जितने प्रकार के मिल होते हैं सारा का सारा काम रामवीर मिश्रा ये जो मिस्त्री हैं पूरा काम जानते हैं। इनको मैंने स्टार्टिंग में वेल्डिंग करना सिखाया और आज ये पूरा काम सीख गए। तो चलिए आज हम प्रैक्टिकल देखते हैं इनके साथ में कि जोड़ना काटना कैसे करते हैं। तो
तो रामवीर जी ये होल्डर लीजिए, और आज आपको हमारे दर्शकों को ये बताना है कि इन दोनों आइटमों को जोड़ेंगे कैसे, इसमें छेद कैसे करते हैं, और वेल्डिंग से किसी चीज़ को काटते कैसे हैं। तो चलिए इसमें आप पहले करंट लगा लीजिए, या तो जनरेटर स्टार्ट कर लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक से स्टार्ट कर लीजिए, जैसे आपको लगता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास जनरेटर है, तो हम जनरेटर से करंट इसमें स्टार्ट करेंगे और बिजली लेंगे, बिजली की सप्लाई जनरेटर से लेंगे और अपना वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे लगाओ ना, काम जान सब में लगी है। तो आप देख रहे हैं हमारी वेल्डिंग चालू हो गई है, इससे आप वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, जब भी आप वेल्डिंग करें तो ये याद आपको रखना है कि वेल्डिंग को ऐसे दबा के नहीं रखते हैं, ये चिपक जाएगी। और जब भी आपकी रॉड चिपक जाए तो ऐसे करना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, खींचेंगे तो रॉड निकल जाएगी। ये आपकी वेल्डिंग चालू हो गई है। अब मान लीजिए मेरे को जोड़ना है, ये जोड़ना है, तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, ये। तो ये देखिए ये जुड़ गया है, ये देखिए ये जुड़ाव इसका मजबूत हो गया, ये देखो बहुत मजबूत हो गया है। ये अभी मैंने टाँका लगाया है, दोबारा मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। ये हाथ जल गया मेरा, ये देखिए। अगर आपको ऐसे खड़ा जोड़ना है तो ये, ये देखिए इस तरह से आप इसे जोड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि वेल्डिंग से कैसे हम जोड़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया काटना सीखते हैं, किसी चीज़ को काटते हैं कैसे। अब ये चीज़ है, इसे हमें काटना है। ये देखिए, काटने के लिए वोल्टेज हमेशा तेज होना चाहिए, तो हम इसे बढ़ाएंगे। दो सौ इक्यावन बावन, अब हमारा ये वेल्डिंग तेज हो गई है, अब हम तेज से इसे काट सकते हैं। तो अगर आपके पास में काला चश्मा है तो आप वो पहने, नहीं तो आप अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे मैं वेल्डिंग में एक्सपर्ट हो गया हूँ, तो मैं बिना देखे ही वेल्डिंग को कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में आप बिना देखे नहीं कर पाएंगे, तो आप चश्मा लगा लें, हेलमेट लगा लें। हम इसे काटेंगे, फ्रेंड्स ये आपने देखा, आपने देखा हमारी जो एंगल है, जो पट्टी है वो अलग कट चुकी है, तो आप इस तरह से इसे काट सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि पट्टी में छेद कैसे करते हैं। ये देखिए, इसमें हमें छेद करना सीखना है, यहाँ पर। तो देखिए इसमें छेद हो गया है,
ये देखिए इसमें छेद हो चुका है। अब आप इसमें कोई नट बोल्ट डाल सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।